गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन आर टूडेज लेक्चर फॉर क्लास 5, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 14, एंड टूडेज टॉपिक इज फ्यूचर टेंस। एंड टूडे बेटा, आई विल टेक इट समरी लेक्चर, बिकॉज इन लेक्चर नंबर 1, आई एक्सप्लेन यू फ्यूचर टेंस अलॉन्ग विद इट्स 2 सब पार्ट्स, एंड इन टूडेज लेक्चर आई विल ओनली गिव यू क्विक recap of 2 subparts, okay? That only 2 subparts are given here, so we will focus only on these 2 subparts, okay my dear students? So instead wasting our time, let's see our content today. So beta, today's content is, first you will get summary of future tense, then you will get previous homework solution as I assigned you 4 exercises. So we will see today its solution. Third is homework. In homework you will get assignment number 1, and that will be uploaded on Adquark. Okay, so let's start. So beta, today's lecture begins with the question, what is future tense? As you know very well, future tense is, first of all, Hindi meaning of future tense. Future tense means bhavishyakal. Tense means kal, future means bhavishya. Okay, so future tense means the actions, or this tense is used for the actions or the events that happen or that will happen at some time in future or later or in some time. Okay, so we can write its definition like this. So its definition is, it refers to the actions or events that will take place at some time in future. Means those actions had not been done yet or have not happened yet, or जो अभी तक नहीं हुए हैं, एंड विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, मतलब वो फ्यूचर में होंगे अभी बेटा, वो हुए नहीं है, ठीक है? और इसके लिए जो हम टाइम इंटरवल्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, टुमोरो, आई सेड टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो, ओके, डे आफ्टर टुमोरो, इन अ मंथ, इन अ वीक, ठीक है, इन आर डे, या फिर यू कैन से लेटर, या फिर इन नेक्स्ट मंथ, इन नेक्स्ट मंथ, या फिर इन नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर अप टू, ठीक है, सो ऑन. तो ऐसे हमें ये आपको टाइम इंटरवल्स मिलेंगे इसमें फ्यूचर टेंस में, टुमोरो, डे आफ्टर टुमोरो, इन अ मंथ, इन अ डे, इन अ वीक, लेटर, इन नेक्स्ट मंथ, या फिर these type of duration you will get in future tense, simple future, oh sorry, in future tense only. Okay, now it has 2 subparts. As I told you that future tense has 4 subparts, though we know that 4 subparts, but in this lesson, means in 14 lesson, that future tense you will read only about 2. Okay, aap sirf 2 ke bare mein padhoge, ek to future indefinite, or you can say सिंपल फ्यूचर, ओके, एंड सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. ओके, सो अबाउट दीज टू यू विल रीड हियर, फ्यूचर इनडेफिनेट एंड सिंपल फ्यूचर. फ्यूचर सॉरी सिंपल फ्यूचर इसे बोलते हैं हम, एंड सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके बेटा, सो दीज टू आर गिवन हियर, future indefinite or we can say simple future, and second is future continuous. So first of all, we will read about the future indefinite. First of all, let's see future indefinite, or we can say simple future. Okay, jisko hum simple future bhi bolte hain. It says, iski jo identification hai wo maine aapko batai thi us din, कि एंड में क्या आएगा इसमें, ग गी गे, एंड इट्स रूल इज वेरी इजी. क्या रूल होता है इसका, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, सॉरी वी वन, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द रूल, सब्जेक्ट के बाद में विल या शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट. वन मोर थिंग, विद आई एंड वी, आई और वी के साथ आप यूज करोगे शैल, ठीक है, आई वी के साथ आप शैल यूज करोगे,
बट अगर वी सॉरी यू दे ही शी इट हो तो आप विल यूज करोगे, बट आई वी अगर आप आई वी के साथ अगर विल भी आप यूज करते हो तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा, तो भी आपका करेक्ट ही होगा. ठीक है, ये है जब आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत मतलब आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड ना हो उस डिसीजन के लिए, आपको स्ट्रांगली लगे ना कि आप वहां जाओगे, आपको स्ट्रांगली नहीं पता उसके बारे में, तो आप आई वी के साथ आप शैल का यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं तो वहां जाऊंगा ही कल या फिर मैं तो वो काम करूंगा ही, तो आप आई और वी के साथ आप विल यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो दिस इज द रूल फॉर फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल. आपको मोस्टली विल का ही यूज करना है, शैल का यूज बहुत कम करना है. आई और वी के साथ आप शैल यूज करोगे बट एट वन कंडीशन, अगर आपका जो आपका जो एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है. ठीक है, अगर आप एक्शन को लेके बहुत आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो, आप उसका करना ही चाहते हो, तो आप आई और वी के साथ आप विल का यूज करोगे. उसके बाद में आपको वी वन मतलब इसको बेस फॉर्म बोलते हैं वो यूज करोगे, और लास्ट में इट विल एंड विद ऑब्जेक्ट. आपको पता है ऑब्जेक्ट के साथ में एंड होता है. आइडेंटिफिकेशन दोबारा बताती हूँ मैं इसकी, ग गी गे. ओके बेटा, इट्स आइडेंटिफिकेशन इज ग गी गे. ओके, नाउ वी विल टेक सेकेंड, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, ओके. इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बेटा आइडेंटिफिकेशन इज रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. अगेन आई एम टेलिंग, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. एंड इट्स रूल, नाउ रूल इज सब्जेक्ट प्लस, इसमें आप यूज करोगे दोबारा वही विल शैल का यूज करना है आपको. विल शैल के बाद में आप यूज करोगे बी. ओके, विल शैल के बाद में आप यूज करोगे बी. बी के बाद में आप यूज करोगे वी वन के साथ में आई एन जी, और लास्ट में आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द रूल फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में विल और शैल यूज करना है. वैसे आपको मोस्टली विल ही यूज करना है, शैल का यूज आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन है. अगर आपका एक्शन स्ट्रांग है, अगर आप स्ट्रांगली उस काम करना चाहते हो, तो आई और वी के साथ भी आप विल का ही यूज कर सकते हो. ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद में विल या फिर शैल जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद में बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, एंड लास्ट इट एंड्स विद ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द रूल फॉर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड फ्यूचर टू कॉन्टिन्यूस के टेंस के लिए मैं दोबारा बता रही हूँ, आइडेंटिफिकेशन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अभी वो उसका सब पार्ट नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है. ठीक है, यूज ऑफ गोइंग टू. गोइंग टू का यूज, गोइंग टू का यूज बेटा हम किसके प्लेस पे करते हैं, विल और शैल के प्लेस पे करते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे विल और शैल का यूज नहीं करेंगे, विल और शैल की जगह हम करेंगे गोइंग टू का यूज. और इसमें आप यूज करोगे इज, एम, आर के बाद में गोइंग टू. ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर प्लस गोइंग टू, और लास्ट में आपको पता ही है क्या होता है लास्ट में ऑब्जेक्ट. ओके, सो अगेन सी बेटा, गोइंग टू का यूज आप विल और शैल की जगह करोगे. ओके, आप विल और शैल यूज नहीं करोगे वहां पे. सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस ऑब्जेक्ट. अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर. ठीक है, और बाद में क्या लगाओगे, गोइंग टू, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट. लाइक आई एम गोइंग टू टेक अ बाथ, या फिर वी आर गोइंग टू टेक अ बाथ, या फिर शी इज गोइंग टू टेक अ बाथ. ठीक है, इन दिस वे आई एम टेलिंग यू अगेन, गोइंग टू का यूज बेटा हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं. अगर हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं तो हम वहाँ पे गोइंग टू यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर इज एम आर का यूज करना पड़ेगा वहाँ पे. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू
मतलब इन सम टाइम आई एम गोइंग टू या फिर आई एम गोइंग टू टेक मेडिसिन फ्रॉम द स्टोर या मेडिकल स्टोर. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेक मेडिसिन फ्रॉम द स्टोर, मतलब मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ दुकान पर. मतलब अभी तक आप गए नहीं हो, आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हो. ठीक है, क्योंकि आपको मेडिसिन की नीड है तो आप उसके बारे में बता रहे हो. सो हेयर इट एंड्स विद गोइंग टू, तो आपको मैंने आपको बता दिया है फ्यूचर के लिए हम गोइंग टू का यूज़ करते हैं, लेकिन आप फिर वहाँ विल और शैल यूज़ नहीं करोगे, फिर आप वहाँ पे इज अ मार्क का यूज़ करोगे बेटा. ओके, आई एम गोइंग टू, वी आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू टेक बाथ, दे आर गोइंग टू टेक मेडिसिन फ्रॉम द स्टोर, या फिर दे आर गोइंग टू स्कूल. ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन, मीन्स जो मैंने आपको होमवर्क पहले किया था अब हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा. ओके, सो बेटा दिस वॉज एक्सरसाइज नंबर वन. द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर इन द सिंपल पास्ट टेंस, ये सारे सिंपल पास्ट टेंस में है ना. चेंज दैम टू द सिंपल फ्यूचर टेंस, अब आपको इनको सिंपल फ्यूचर में करना है. मतलब यहाँ पे आपको गिवन है ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है. ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को हमें सिंपल फ्यूचर में करना है. ठीक है, तो यहाँ पे वी वेंट टू द बीच यस्टरडे, अब वेंट नहीं आएगा वी, अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल और शैल, क्योंकि वी है तो हम शैल यूज़ करेंगे. आप वैसे विल भी यूज़ कर सकते हो, मैं आपको रॉन्ग नहीं कहूँगी. यहाँ पे विल भी आ सकता है और शैल भी आ सकता है. मैं यहाँ पे शैल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई और वी के साथ हमें शैल यूज़ करना है. वैसे आप विल भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी शैल वेंट की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमें पता है क्या होता है कि हमें क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. और यहाँ पे यस्टरडे नहीं लिखना, अब आपको यस्टरडे तो मतलब जो चला गया, अब नेक्स्ट डे क्या आएगा, टुमोरो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, वी शैल, वी के बाद शैल, उसके बाद में वेंट की जगह गो, वी शैल गो टू द बीच टुमोरो. नेक्स्ट, माई अंकल अराइव्ड यस्टरडे, अब यहाँ पे आएगा माई अंकल विल, अराइव्ड नहीं आएगा बेटा, अब यहाँ पे आएगा अराइव. फर्स्ट फॉर्म क्या होती है अराइव्ड की, अराइव. माई अंकल विल अराइव टुमोरो, यस्टरडे जाएगा टुमोरो आएगा. वी सॉ द मूवी लास्ट नाइट, अब देखो यहाँ पे जो टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है, उसके लिए तो आपको टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे गिवन भी है नेक्स्ट वाला. ठीक है, जो आपको इसमें यूज करना है फ्यूचर के लिए. वी सॉ, वी की जगह शैल यूज करेंगे, वी के साथ में हम शैल यूज करेंगे. ठीक है, आई और वी के साथ शैल यूज करोगे. सी की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी. वी शैल सी द मूवी टू नाइट. नेक्स्ट, आई के बाद में शैल, क्योंकि आई फर्स्ट, आई और वी के साथ में शैल को यूज करना है. आई शैल रिटर्न द बुक्स लास्ट वीक की जगह नेक्स्ट वीक. आप ये लिख, आपको पूरे सेंटेंस लिखना है. आई एम नॉट राइटिंग कंप्लीट सेंटेंस. वी रॉट आर टेस्ट यस्टरडे आफ्टरनून, तो यहाँ पे आएगा वी शैल राइट की जगह, सॉरी रॉट की जगह राइट, वी शैल राइट आर टेस्ट यस्टरडे आफ्टरनून, नहीं दिस आफ्टरनून. ठीक है, दिस आफ्टरनून, आफ्टर नून. ओके, लास्ट, पॉल फ्लू टू लंडन लास्ट मंडे. पॉल फ्लाई, फ्लू की फर्स्ट फॉर्म फ्लाई. पॉल विल, क्योंकि आपको सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल यूज करना है. पॉल विल फ्लाई टू लंदन लास्ट मंडे, नहीं आएगा नेक्स्ट मंडे, आएगा नेक्स्ट मंडे. नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर टू. Use the verbs given the brackets to complete sentences in future continuous tense. अब आपको future continuous tense use करना है बेटा इस सब में. I dash at the resort this time the following week. तो I के साथ shall use करोगे, I shall. I के साथ में shall का use करते हैं, आपको पता ही है. आपको will भी use कर सकते हो, will भी wrong नहीं होगा. I shall या फिर will. उसके बाद में क्या use करना है आपको, be. Stay की जगह staying. ठीक है बेटा, या will be staying या फिर shall be staying. Stay में वर्ब में आई एन जी लगाना है. द शिप विल बी सेलिंग, सेल की जगह आई एन जी, मतलब सेल के साथ में आई एन जी. फादर विल बी वॉचिंग द न्यूज़ एट 10 o'clock. द ग्रुप विल बी परफॉर्मिंग एक्रोबेटिक्स टुमोरो नाइट. शैल वी नॉट बी गोइंग आउट एट 7, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट यूज़ करा, उसके नॉट के बाद में बी आएगा बेटा. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट, उसके बाद में बी. सॉरी, अगर अभी इंटरोगेटिव है तो पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे यूज़ करना है. आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो विल और शैल, वो आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी. ठीक है, तो यहाँ पे शैल
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला है क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो विल और शैल होती हैं वो आगे जाती है, ठीक है ना. तो शैल वी नॉट बी गोइंग आउट एट 7, गो में आई एन जी लगा दिया, नॉट बट बी, क्योंकि बी आता ही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में. द बेबी विल बी वॉकिंग इन अ मंथ, ठीक है, विल बी वॉकिंग इन अ मंथ, वॉक में आई एन जी लगा दिया, द बेबी के बाद वी विल, फिर बी. नेक्स्ट वी शैल बी लीविंग फॉर ताइवान नेक्स्ट मंडे, लीव है तो लीविंग आ जाएगा, वी शैल बी लीविंग आ जाएगा. फिर नेक्स्ट आई शैल बी या फिर आई विल बी स्टडिंग, STUDYING, स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है. सो इन दिस वे हेयर इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस वी हैव टू यूज सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट गिवन आपको सारी जगह, उसके बाद में विल बी और वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, विल बी या शैल बी के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी. देखो आई एन जी यूज कर रहे हैं हमने, वर्क की फर्स्ट फॉर्म आपको गिवन है ब्रैकेट्स में, उसमें आपको आई एन जी एड करना है. उससे पहले आपको यह लगाना है विल बी या फिर शैल बी. ओके बेटा, इट इज योर एक्सरसाइज नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद विल और गोइंग टू. या तो आप विल यूज करोगे या फिर आप यूज करोगे गोइंग टू. गोइंग टू आप तब यूज करोगे जब आप बोलने से पहले, मतलब कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, बिफोर स्पीकिंग. अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप गोइंग टू यूज करोगे, या फिर आप प्रेजेंट के एविडेंस के बेस पर अगर आप प्रिडिक्शन कर रहे हो फ्यूचर के बारे में, जैसे आपके प्रेजेंट के आपको सिचुएशन गिवन है तो आप बता सकते हो कि फ्यूचर में आप गोइंग टू का यूज करने वाले हो, ठीक है, आप भविष्यवाणी कर सकते हो फ्यूचर के बारे में. तो हम देखते हैं क्या है. आर यू वॉचिंग द गेम, क्या तुम गेम देख रहे हो. इट इज 5-2, मतलब स्कोर हो गया 5-2. शी डैश विन द मैच. अब यहाँ पे आपको स्कोर गिवन है, एविडेंस गिवन है कि इट्स 5-2, ठीक है. शी इज गोइंग टू, ठीक है, शी इज गोइंग टू विन द मैच, क्योंकि प्रेजेंट एविडेंस क्या है कि स्कोर इतना है, ऑब्वियस है, फिर शी इज गोइंग टू विन द मैच, ठीक है. यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इज गोइंग टू, ठीक है, क्योंकि शी है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा और बाद में गोइंग टू हम यूज करते ही हैं. आई थिंक यू डैश लाइक दिस बुक. अब इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसमें सिंपल हम क्या यूज करेंगे, सिंपल फ्यूचर, मतलब विल का यूज करेंगे. आई थिंक यू विल लाइक दिस बुक. सी वी डैश गेट मैरिड वेरी सून. तो इसमें भी कोई हाँ इसमें है. अब इसमें बता रहा है कि हम बहुत जल्द शादी करेंगे, ठीक है, हम शादी करने वाले हैं बहुत जल्द. तो इसमें उसने ऑलरेडी सब कुछ सेट किया हुआ है, ठीक है, वो प्रिडिक्शन कर रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून. शादी के लिए सब कुछ रेडी है, बस उसको अब शादी करनी है. तो प्रेजेंट एविडेंस क्या है कि उसने सब कुछ प्लानिंग करी हुई है, फ्यूचर क्या है कि वो शादी करने वाले हैं. आई कांट ज्वाइन यू एट द पार्टी, मैं तुम्हें पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता. आई डैश अवे नेक्स्ट वीक, मतलब क्या रहूँगा मैं नेक्स्ट वीक क्या रहूँगा, दूर रहूँगा या फिर कहीं जाऊँगा. तो प्रिडिक्शन अभी प्रेजेंट एविडेंस क्या है कि मैं तुम्हें पार्टी में ज्वाइन नहीं कर सकता, तो ये प्रिडिक्शन कर रहा है फ्यूचर के बारे में. तो क्या आएगा यहाँ पे, आई एम going to away next week. Okay, I'm going to away next week. Have you heard? क्या तुमने सुना? Neha is dash have a baby soon. Neha is दे रखा है, ऑलरेडी इसमें is given है, ठीक है. तो ये understood है, इसमें going to आएगा. Have you heard? Neha is going to have a baby soon. एफ दिख दिस एक्सरसाइज लुक्स हार्ड, ये एक्सरसाइज हार्ड दिखती है. आई डैश हेल्प यू, तो ये एक्सरसाइज हेल्प है या फिर हार्ड है, सॉरी एक्सरसाइज. तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू या फिर इसमें विल भी हो सकता है वैसे, आई विल हेल्प यू, ठीक है. वैसे जैसे कि प्रेजेंट एविडेंस तो ये है कि एक्सरसाइज बहुत हार्ड है, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू ये हो सकता है क्योंकि प्रेजेंट एविडेंस दे रखा है. या फिर वैसे भी अगर हम देखेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड है, तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है. सो इन दिस वे यू कैन प्रेजेंट एविडेंस की बेस पर या फिर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, अगर आप बोलने से पहले डिसीजन कोई ले रहे हो तो उसके लिए आप गोइंग टू का यूज़ करोगे वहाँ पे, ठीक है बेटा. अब यहाँ पे तो इज ऑलरेडी गिवन था, तो हमने गोइंग टू लगा दिया,
यहाँ पे आप आई कॉन्ट ज्वाइन यू एट द पार्टी, आई एम गोइंग टू अवे दिस नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे उसने बोलने से पहले मतलब कि उसने फ्यूचर प्रेजेंट का एविडेंस भी दे दिया है और इसलिए उसने फ्यूचर का प्रेडिक्शन भी कर दिया है। इसमें भी ऐसे ही हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था तो हमने विल का यूज़ कर लिया था। नाउ इन एक्सरसाइज नंबर 4 बेटा, मेक गोइंग टू सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको गोइंग टू वाले सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट देखो, दे अब वर्ब दे रखी है आपको ईट स्ट्यू फॉर डिनर, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे के बाद में क्या आएगा, आर, उसके बाद में आपको पता है हम गोइंग टू यूज़ करते हैं, दे आर गोइंग टू, फिर दे आर गोइंग टू ईट स्ट्यू फॉर डिनर, यहाँ पर जाएगा ते, दे आर गोइंग टू ईट स्ट्यू फॉर डिनर। ओके, आई वेयर ब्लू ड्रेस फॉर द पार्टी, यहाँ पे क्या आएगा, आई एम गोइंग टू, गोइंग टू साथ में आएगा, आई के साथ एम यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था गोइंग टू वाले सेंटेंसेज में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज एम आर यूज़ करना है, ठीक है। तो आई के साथ एम, आई एम गोइंग टू वेयर, इट्स नॉट वेयर, इट्स वेयर, ओके वेयर बोलते हैं इसको बेटा, वेयर नहीं बोलेंगे। आई एम गोइंग टू वेयर ब्लू ड्रेस फॉर द पार्टी। सी वी नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पे आएगा वी, ये के साथ में क्या आएगा, इज एम आर में से आर, वी आर, अब नॉट वाला है तो पहले नॉट लगाएंगे हम, वी आर नॉट, उसके बाद गोइंग टू हेल्प यू, वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ओके वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू। डी जिल नॉट वॉक एट, नॉट वॉक होम, तो आएगा जिल, सिंगुलर है तो इज, जिल इज, नॉट है इसमें नॉट लगा दो पहले, जिल इज नॉट गोइंग टू वॉक होम। ई यू कुक डिनर, यहाँ पे आएगा यू, यू के बाद में आर, फिर आएगा गोइंग टू, यू आर गोइंग टू कुक डिनर। सुमित, सुमित के बाद में इज, सुमित इज नॉट भी है, नॉट, सुमित इज नॉट, फिर आएगा गोइंग टू शेयर हिज चॉकलेट, यू कैन राइट हियर शेयर हिज चॉकलेट। जी लीव दे द हाउस, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, देखो, ओ सॉरी इसमें भी क्वेश्चन मार्क था बेटा, मैंने देखा नहीं, वेट आई फॉरगॉट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो अब यू है, यू तो सब्जेक्ट हो गया, यू के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, आर, तो हम आर को पहले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे लेके बनाया था ना मैंने क्वेश्चन, आपको थर्ड क्लास में पढ़ाया था कि अगर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आनी चाहिए। तो आर, उसके बाद में यू, आर यू गोइंग टू कुक डिनर, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, आर यू गोइंग टू कुक डिनर। फिर इसमें सिंपल मैंने बना दिया था, अब इसमें देखो दोबारा लीव, अब दे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे है, दे के बाद में हम क्या, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज एम आर में से आर, तो आर को पहले ले आओगे, ठीक है। आर दे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, आर दे, अब लीव तो वर्ब है, उसके बाद में आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद में गोइंग टू, आर दे गोइंग टू, फिर आएगा वर्ब, आर दे गोइंग टू लीव द हाउस, क्वेश्चन मार्क। लास्ट शी टेक पार्ट इन द कॉन्टेस्ट, अब इसमें क्वेश्चन मार्क है, शी है सब्जेक्ट, शी के बाद में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, तो इज को आप आगे ले आओगे, इज, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, शी, इज शी, उसके बाद में क्या यूज करोगे, गोइंग टू, इज शी गोइंग टू टेक पार्ट इन
contest? Question mark. Okay, so here it ends with, is she going to take part in contest? So beta, in this way we will do this going to sentences. Okay, so we had completed this exercise also. Now your homework is, so beta, today's homework is assignment 1 will be uploaded of future tense. Future tense means lesson number 14. Okay, of PC rants means the lesson which I taught. जो मैंने लेसन पढ़ा दिया है उसका आपको असाइनमेंट मिलेगा, असाइनमेंट नंबर 1 दैट विल बी अपलोडेड ऑन एडक्वॉक एज वेल एज इन योर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर ऑल्सो. नाउ रिवाइज दीज टू सब पार्ट्स ओनली विद अलॉन्ग विद गोइंग टू यूज ऑफ गोइंग टू ऑल्सो एंड नाउ यू विल गेट असाइनमेंट नंबर 1 एंड असाइनमेंट नंबर 2 ऑफ दिस. ओके एंड देन यू विल स्टार्ट आवर एसेंस बुक दैट इज मूवी मेकिंग लेसन. ओके सो I hope you will revise this lecture again for your performance, for your better performance. Thank you very much, Peter. Bye-bye.